this is the gateway to Lobuche, and there is a yak attack now. Maybe boss, sorry, boss, sorry, boss, sorry, yak, sorry, boss, sorry. Boy, sorry, yak, sorry, sabzi. Here we go, here we go. Everybody, keep up, keep your fire, yeah. आज 4 अप्रैल है, रात के 12 बजने वाले हैं और आज अनूप, हमारे प्यारे अनूप अम्बाला का बर्थडे है एंड उसके लिए सोनल ने एक सरप्राइज बर्थडे केक रखा है. सो वी आर इन द लॉज इन माइनस डिग्रीज एंड वी आर गोइंग टू सरप्राइज हिम विद दिस बर्थडे केक. एक सेकंड जा रहा हूँ. कहाँ लगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. रिएक्शन देखना उसका. अरे बर्थडे बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय बर्थडे बॉय बोतल भर के ठंडा पानी लाया, इधर पे गिराएंगे. रुक, क्या कर रहे हो? बर्थडे है तेरा. बर्थडे बॉय, अभी ट्रैकिंग जूते पहन के आए हम मारने के लिए. भाई अब हम क्या कर सकते हैं? तुम पैदा ही इस दिन हुए हो. हाँ, एक हफ्ता लेट पैदा होते तो काठमांडू में मना रहे होते. हाँ, कुकरी वो सब्जी वो बर्थडे बनाएगा वो कुकरी से. 12 बज गए क्या? अरे बाबा ठंड बहुत लग रही है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनू, हैप्पी बर्थडे टू. ठंड इतनी लग रही है. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. इतना सुरीला सुना होगा अभी तक. कुछ निकल भी रहा है उससे. सपने में देख रहा था रेस्क्यू हो रहा है, मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ. लगाने को क्रीम लगा दो चेहरे. अरे बाद में धोना भी पड़ता है भाई. नहीं, क्रीम लगा लेगा ना. ट्रैकिंग के जूते पहन के आते हैं, एक एक लगाते हैं, बहुत मजा आएगा. वो तैयार भी हो गया है. घुमा के खड़ा कर देंगे. हाँ, उल्टा लिटा देते हैं. जूते मार लेंगे ऐसे ऐसे. अब क्या केक लगाना है क्या मुंह पे इसके? वो बोले इसे अच्छा मार लो, मार के गर्मी आ जाएगी उल्टा. क्या सपना, क्या देख रहा था भाई? अरे वो चाकू कहाँ से लाई वैसे? चाकू कहाँ से लाई वैसे? खुकरी लग रहा है वो. अनूप सपने में देख रहा है चिल भाई पूछ रहे हैं, अनूप इतना तेज ट्रैक कैसे करते हो? ये पुष्पक विमान का राज बताओ. बट ये केक के लिए चाकू सही है. हाँ, क्या बहुत बढ़िया है, क्या टफ है, क्या नीचे वाला वो है ना बेस हार्ड है. ये ओवन केक है, फूट गए क्या अभी? ये लो भाई, खड़े ही भाई तो दिख नहीं रहा. भाई क्या जाके पहले से वाला बोल रहे हैं भाई, शायद जगे हुए हो पहले से. नहीं भाई, शायद माफिया खेल रहे हो अभी तक. अरे मूंगफली खा रहा हूं. अनूप तो खेल ही रहा था सपने में.
सुनेगा इक्वल लेवल पे थोड़ा सा हाथ से खा लो इधर थोड़ा सा कर ले मेरे से नहीं न्यूज क्या पता चली कि रूम का सुन सकते हो कान लगा के बैठे हो आज तो दोनों कान लगा के बैठे हो क्या नहीं न्यूज बताई Day 7 trek has started. I have started early. मैं 10 में से अपन 2-3 लोग हैं जो जल्दी निकल गए. But I have stayed back in between on the mountain. अभी थोड़ा rest के लिए. I am not feeling too good. Actually, my left knee is hurting a lot. And उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द रैपिड क्लाइंबिंग एंड बार बार ऊपर नीचे जाना सो आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ हर्ट माई लेफ्ट नी एंड तो उसकी वजह से मैं काफ़ी स्लो हो गया हूँ आई कैन नॉट मूव एज क्विकली एज आई कुड एंड देयर इज स्टिल लॉट ऑफ ट्रैक लेफ्ट टुडे वी आर गोइंग टू लोबुचे फ्रॉम हियर which is at 4940 and tomorrow we are going to Everest Basecamp so jiske liye yahan aaye the wo ghadi kafi nazdeek aa chuki hai tomorrow we are going for Everest Basecamp so I need to do this so dekhta hu koshish karta hu jaise taise complete karne ki wish me luck guys hey guys मुझे पीक का नाम ध्यान नहीं है बट आई हैव नेवर सीन सच अ पीक पीक अप वेरी क्लोज carrying out a rescue operation ये बादलों से उड़ते हुए जा रहा है इसलिए इतना पता नहीं चल रहा अभी पहाड़ों में जाएगा तो थोड़ा एक आइडिया पड़ेगा कि कहाँ है एग्जैक्टली यस हे गाइस तो अभी हम लोग डिंगबोचे से लोबुचे की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में थुकला पड़ता है एंड दैट्स थुकला एंड बिफोर रीचिंग थुकला यू हैव टू क्रॉस दिस रिवर बेड फुल ऑफ वाइट स्टोन्स ये पूरा रिवर वहाँ तक जाता है पहाड़ के नीचे तक बॉटम तक और वहाँ से फिर इट टर्न्स अराउंड एंड गोज ऑन दैट साइड सो यू कैन सी देयर आर Those are our team which is waiting there. काफी अच्छा व्यू है हाँ अभी देवांशु रिवर क्रॉस कर रहा है That is Thukla. And we
we are going right there. Arjun cheer karta hua, Arjun wahan pe pahunch gaya. That is the gateway to Lobuche. Jahan pe wo khada hai, wo jo flags wagera bane hue. This is the gateway to Lobuche. And there is a yak attack now. Bahut sare yak aa rahe hain, bahut sare yak aa rahe hain. Sabzi, arre wahan ko. ये भी आप तो अपनी तरफ ही आ रही है. And as you can see here, the whole place is surrounded by memorials, like the one behind me. So these are for people who died while climbing the Everest. So you can see चारों तरफ जो पीछे दिख रहे हैं वो मेमोरियल्स हैं. एंड एनी वन ऑफ यू हैज हर्ड अबाउट द 1996 डिजास्टर ऑन विच द एवरेस्ट मूवी इज मेड, रॉबर्ट फिशर एंड दैट आई एम फॉरगेटिंग द नेम. सो हिज मेमोरियल, रॉबर्ट फिशर्स मेमोरियल इज आल्सो हियर. चलो स्कॉट फिशर को मिलके आते हैं. स्कॉट फिशर, सॉरी स्कॉट फिशर, नॉट रॉबर्ट फिशर, स्कॉट फिशर. हाँ, रॉबर्ट हॉल, स्कॉट फिशर एंड रॉबर्ट हॉल. सो एवरेस्ट मूवी जो बनी है वो 1996 डिजास्टर जो था, जिसमें दो टीम्स गई थी, उसमें से अराउंड कितने 5 या 6 लोग मर गए थे ना टोटल. 16 लोग मरे थे, टोटल तो 16 थे, बट वो दो टीम में से कितने मरे थे, 5-6 लोग मर गए थे, इंक्लूडिंग बोथ द टीम लीडर्स. हाँ, सो हाँ, देयर इज स्कॉट फिशर. हाँ, वो 1996. ओके, गोइंग टुवर्ड्स इट. मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस वगैरह बने हैं. Is the famous Scott Fisher, who was the team leader of 1996 Everest expedition, but unfortunately he gave his life saving another team member, and that's the eulogy which is written for him. Of Scott Eugene Fisher, who died on Mount Everest May 11, 1996. His spirit lives on. The gateway to Lobuche, जहाँ से हम लोग आए थे, और यहाँ पे चारों तरफ memorials बने हुए हैं उन लोगों के लिए हु हैव डाइड ऑन एवरेस्ट वाइल क्लाइंबिंग. ये पूरे पहाड़ों के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो स्टोन्स वगैरह, दोज आर ऑल मेमोरियल्स फॉर दोज पीपल. एज यू कैन सी वी हैव कम वेरी हाई, एंड बादल उड़ते हुए जा रहे हैं यहाँ पे सामने से, और अभी हमें इस रास्ते पे जाना है. We are right now going towards Lobuche, और रास्ते में हमें ये दिखा. तो बेसिकली there's a campsite. किसी ने वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगाए, कैंपिंग किया है. पॉसिबली इट्स अ बेस कैंप, सेकेंड बेस कैंप फॉर एवरेस्ट.
and it's on a frozen river. So you can see the white which is there, it's a frozen river around it. How cool is that? And ऊपर ये पहाड़ और पहाड़ से निकलते हुए बादल. और right now अभी थोड़ा थोड़ा snowfall भी हो रहा है. I'm not sure whether you'll be able to see it or not. तो अभी हम लोग snowfall में ट्रैकिंग कर रहे हैं ये रास्ते से. और हमें वो दूर पहाड़ों तक जाना है. अभी भी अराउंड 5-6 किलोमीटर और बचा हुआ है. Hey guys, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है. And you will be surprised what we found here. A pyramid lodge. And it's called pyramid because it's in the shape of a pyramid. और देखो ये कौन सी जगह पे है. कहाँ तो एकदम कोने में बनाया है. But somebody told us ये लॉज काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा और चार्जिंग मिल जाएगा. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ईबीसी ट्रैक में चार्जिंग के पैसे लगते हैं. आप कहीं भी जाओ, पीपल चार्ज अराउंड 300 रुपीज पर आवर फॉर चार्जिंग. सो इट्स वेरी कॉस्टली. बट इन दिस लॉज द चार्जिंग इज़ फ्री बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ सोलार पैनल्स ऑन इट. It was a research center earlier, but now it has been converted into a lodge. So let's go inside and find out ki kaisa hai. I'm freezing out here. Hey guys. So we have reached Mount Everest and this is the Khumbu icefall.